नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ कुछ खास रिपोर्ट्स। यूपी में त्रिस्तरीय चुनावों का शंखनाद हो चुका है। देश में गांव की सबसे छोटी सरकार बनने जा रही है। इसके लिए प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। साथ ही चुनावों के करीब आते ही उम्मीदवारों की सक्रियता बढ़ने लगी है। कई बार अपनी किस्मत आजमा चुके उम्मीदवार भी चुनावी रण में उतर चुके हैं, तो वहीं कई नए चेहरे भी अपनी उम्मीदवारी को लेकर ताल ठोक रहे हैं। प्रत्याशियों में रैलियों और जनसंपर्क का दौर भी चल रहा है। गांव में उम्मीदवारों के बैनर पोस्टर घरों की दीवारों से लेकर चौक चौराहों तक पर भरे पड़े हैं। ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली और चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। वहीं प्राइम टीवी की टीम लगातार पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव कस्बे-कस्बे में जा रही है, जनप्रतिनिधियों और आम जनता से लगातार बात कर रही है और आम जनता के मन की बात जानने की कोशिश भी कर रही है। इसी कड़ी में आज हमारे संवाददाता रेहान वारसी बाराबंकी जिले के देवा ब्लॉक चतुर्थ के मामपुर गांव पहुंचे, जहां हमारी टीम ने ग्रामीणों से जिला पंचायत प्रत्याशियों, विकास के दावों और आम जनता की पसंद को लेकर खुले आसमान के नीचे बात की। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि देवा चतुर्थ की जनता क्या कुछ कहना चाह रही है, इस बार के पंचायत चुनाव को लेकर उनके मन में किस तरह की आशंकाएं चल रही हैं। पंचायत चुनाव का शंखनाद हो चुका है। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इस चुनाव के लिए प्रत्याशी मैदान में कूद चुके हैं। पहले चरण में चुनाव होने वाले इकाइयों में 8 तारीख तक चुनाव चिन्ह भी मिल जाएंगे। वहीं चुनावों के करीब आते ही उम्मीदवारों की सक्रियता भी बढ़ने लगी है। वहीं कई बार अपनी किस्मत आजमा चुके उम्मीदवार भी चुनावी रण में उतर चुके हैं। कई नए चेहरे भी अपनी उम्मीदवारी को लेकर ताल ठोक रहे हैं, तो पिछली बार हारे प्रत्याशी भी इस बार अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और देवा ब्लॉक चतुर्थ की जनता में विकास की बहार लाने के लिए तमाम तरह के दावे पेश किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देवा चतुर्थ की जनता ने भी अपने नए प्रतिनिधियों के चुनाव करने के लिए तैयारी कर ली है और अपना जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि चुनने के लिए अपना मन बना लिया है। तो वहीं जनता के मन की बात जानने के लिए हमारे संवाददाता रेहान वारशी बाराबंकी जिले के देवा ब्लॉक के मामापुर गांव पहुंचे और जनता के मन की बात जानी। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव जोरों पर है और प्राइम टीवी की टीम की कवरेज लगातार जारी है। आज हम एक बार फिर देवा ब्लॉक के मामापुर ग्राम पंचायत में पहुंचे हुए हैं और यहां पर जिला पंचायत सदस्य कई प्रत्याशी हैं। देवा चतुर्थ की जनता हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे कि इस बार किस प्रत्याशी का वर्चस्व ज़्यादा है और पूर्व में जो जिला पंचायत सदस्य थे उनके द्वारा क्या विकास कार्य कराए गए हैं। तो साफ तौर पर जनता हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बातचीत करें। क्या नाम है आपका भाई साहब? अनस। तेज बोलिए। अनस वासी। कहाँ रहने वाले हैं आप? ग्राम मामापुर। इस बार जो त्रिस्तरीय चुनाव हो रहे हैं जिला पंचायत सदस्य के, क्या माहौल लग रहा है, किस प्रत्याशी का वर्चस्व ज़्यादा है इस समय? अनुज भाई का जो है और अच्छा माहौल चल रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों? जी, ये किसी के सुख दुख में आज हर चीज़ में बढ़िया काम आते हैं जी। और भी प्रत्याशी हैं? और भी प्रत्याशी हैं, ये जीत जाते हैं बात को, यानी मुंह दिखाने नहीं आते लोग। अच्छा, जो पूर्व में जो जिला पंचायत सदस्य थे उनके द्वारा क्या काम कराया गया गाँव में, उनको जानते हैं? क्या नाम है उनका? उनका नाम है मुकेश सिंह। अच्छा, जीत गए लौट के यहाँ कुछ नहीं कराए। अच्छा जी, इस बार क्या उम्मीदें हैं, क्या लग रहा है, कैसा सदस्य चाहते हो आप? जो ये जो सदस्य हैं अच्छा नहीं विकास करेंगे अब। अच्छा, इनसे क्या उम्मीदें, अगर जनता इन्हें चुनती तो क्या उम्मीदें हैं इनसे? इससे जो उम्मीद जिसलिए हम लोग इनको चुन रहे हैं, सभी लोग सभी का सहयोग है कि यानी ये अब फिर विकास करेंगे हम लोगों का। अच्छा, और भी ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम बिलास है जी। कहाँ रहने वाले? ग्राम पंचायत मुद्दीनपुर जी। और हमारे भैया जी मिश्रा जी का वर्चस्व ज़्यादा है जी अब की बार, और वो हमारे बीच में बराबर बने रहते हैं, आया जाया करते हैं। और आज तक, पहले मुकेश जी थे, आज तक ना गांव आए ना मतलब यहाँ पर कुछ देखने के लिए आए। जब से मतलब जिला पंचायत सदस्य हो गए उनकी मतलब यहाँ पर नामो निशान नहीं रहा जी।
तो सुना आपने ग्रामीण जनता का क्या कुछ कहना है, किस तरह ग्रामीण जनता ने पूर्व प्रतिनिधि की पोल खोल कर रख दी। तो पिछली बार चुनाव में आए थे और चुनाव जीतने के बाद ग्रामीणों की परवाह तक नहीं की। जैसा कि लोगों का कहना है कि वर्तमान जिला पंचायत ना तो वो कभी अपने कार्य क्षेत्र में दिखाई दिए और ना ही किसी तरह का विकास कार्य करवाया। लोगों में उदासीनता और वर्तमान प्रतिनिधि के प्रति आक्रोश साफ देखा जा सकता है। तो वहीं इस बार पंचायत चुनाव के मद्देनजर ग्रामीणों ने विकास के रंगीन वादों के परे एक नए समाज सेवी चेहरे पर भरोसा जता दिया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि जनता के ही कहने पर पहली बार जिला पंचायत चुनाव में उतरे अनूप मिश्रा उनके लिए एक बेहतर विकल्प बनकर सामने आए हैं। आपको बता दें कि हमें ग्रामीणों ने बताया कि अनूप मिश्रा एक समाज सेवी हैं जो हम लोगों के कहने पर जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का आप भी सुनिए। बहुत बढ़िया चला है हमारे अनूप भैया का। और हमारे अनूप भैया हैं, ये सबके दुख सुख में काम आते हैं। जब भी इनको पुकारो चले आते हैं। और सबके दिल में बसे हुए हैं हमारे अनूप भैया। क्या उम्मीदें हैं इस बार अनूप भैया? बसे तो हैं दिल में, लेकिन उम्मीदें क्या हैं इनसे? उम्मीदें ये हैं कि जीत जाएंगे तो भारी विकास करेंगे हमारे क्षेत्र में और काफ़ी नाम रहेगा इनका। माहौल तो मेरे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है जी। किस प्रत्याशी का क्षेत्र में ज्यादा वर्चस्व है? मिश्रा जी का। अच्छा, अनूप मिश्रा जी। अच्छा, ऐसा क्यों? और भी प्रत्याशी हैं? क्योंकि कोई भी काम पड़ता है जी, तो हम लोग उनके पास कॉल घुमाया रात 12 बजे 1 बजे चाहे कभी कोई ऐसा काम अपना काम छोड़ के हम लोग को मदद करने के लिए। कई प्रत्याशी हैं भैया, लेकिन अनूप मिश्रा इस समय जो है ज़्यादा तेज चल रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भैया कि हम लोग भी ऐसा प्रत्याशी जिताना चाहते हैं जो मजबूत हो, शासन प्रशासन से पैसा ला सके जी, काम करवा सके। भैया का मोहर ज़्यादा सुनाई दे रहा है जी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दुख सुख में हर गरीबों के साथ में, हर जगह जाते हैं, हर आदमी को सुनते हैं। अच्छा, अगर कोई जरा सा फ़ोन भी कर दिया भाग के चले जाते हैं। और अनूप जी इस बार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और इससे पहले कुछ प्रत्याशी ये भी हैं जो ज़्यादा दिग्गज हैं, क्या टिक पाएंगे उनके सामने? ये वो लोग को कभी चेहरा नहीं दिखा, जीत के यहाँ से गए, कभी दोबारा इवन नहीं किए, क्षेत्र में कभी देखे नहीं गया उनको। पूर्व जिला पंचायत से त्रस्त गांव वालों के लिए अनूप मिश्रा उम्मीदों की किरण बनकर सामने आए हैं। समाज सेवी अनूप मिश्रा लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। जनता के कहने पर इस बार के पंचायत चुनाव में उतरे समाज सेवी अनूप मिश्रा पर देवा चतुर्थ की जनता पूरी तरह से भरोसा जता रही है। लोगों का कहना है कि वर्तमान जनप्रतिनिधि हो या उम्मीदवार, सभी अपनी अपनी तरह से जनता को लुभाने में लगे हैं, पर कोई भी वर्तमान स्थिति को जानने का प्रयास नहीं कर रहा है। पर अनूप मिश्रा हमेशा से हमारी मदद करते आए हैं और वो हमेशा ही वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि अनूप मिश्रा देवा चतुर्थ में विकास की बहार लाने वाले हैं। क्या त्रिस्तरीय चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो भैया यहाँ पे अनूप मिश्रा जी का भरपूर हो रहा है। अच्छा। और वो साल भर से सुबह शाम रात दिन सबकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सबके दुख सुख में काम आ रहे हैं, इसलिए हम लोग पूरे मामापुर की जनता। बताया जाता है अनूप मिश्रा एक समाज सेवी के रूप में जनता के बीच में बने रहे, क्या ये भी सही है? हाँ, समाज सेवी के बीच में जनता के रूप में बने हुए हैं, बराबर सुख दुख में काम आ रहे हैं लोगों के और सबकी मदद भी कर रहे हैं। क्या क्षेत्र की क्या तस्वीर, क्या भूमिका, अगर इनके जिला पंचायत सदस्य आते हैं तो क्या बदलाव लाएंगे, क्या उम्मीदें हैं गाँव की जनता को इनसे? गाँव की जनता को बहुत उम्मीदें हैं इनसे, ये क्षेत्र में बहुत से बदलाव लाएंगे, विकास करेंगे, क्योंकि सारे जनता के सुख दुख में ये बराबर काम आ रहे हैं और सबकी दुख तकलीफ में भी काम आ रहे हैं। कई दिग्गज हैं जो कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, अनूप मिश्रा पहली बार लड़ रहे हैं, और इस बार क्या उनके सामने अनूप मिश्रा टिक पाएंगे, क्या भूमिका रहेगी? जो भी इसके पहले जिला पंचायत रहे हैं मुकेश, वो कभी क्षेत्र में आए नहीं और न उन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ किया, इसलिए पूरी जनता खुल के अनूप मिश्रा जी को समर्थन कर रही है और बढ़ चढ़ के सारे मामापुर की जनता अनूप मिश्रा को जिताने जा रही है आपकी जिला पंचायत में। तो साफ तौर पे मामापुर ग्राम पंचायत का साफ तौर पे कहना है कि अनूप मिश्रा के साथ जो
जनता है वो है और भी ग्रामीण है, हम उनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दिलदार। कहाँ के रहने वाले हैं? मामापुर ग्राम। त्रिस्तरीय चुनाव में क्या माहौल लग रहा है इस बार? क्या माहौल? तो ऐसा लग रहा है कि मिश्रा जी का जोर ज़्यादा है। अच्छा। और हमारी पंचायत तो है ही है, इनके बाद बाकी और जो है पंचायतें, हमारे देवा बिलाग में 88 पंचायत हैं। जी। 88 पंचायतों में तो हमको तो लग रहा है कि 80 पंचायत तो अनु मिश्रा का जाए। वहीं हमारे संवाददाता रेहान वारसी ने देवा ब्लॉक चतुर्थ से जिला पंचायत प्रत्याशी से भी बात करने की कोशिश की तो प्राइम टीवी के कैमरे पर अनूप मिश्रा ने जनता का अभिवादन किया और इस बार भारी बहुमत के साथ जीत दिलाने का आग्रह भी किया। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव का बिगुल बज चुका है और जो प्रत्याशी हैं वो लगातार मैदान में उतर चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देवा चतुर्थ से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी अनूप मिश्रा मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या विचारधारा लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आगे की रणनीति रहेगी। प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी। नमस्कार, मैं अनूप मिश्रा, ग्राम डकोली, पोर्ट सोहैया नगर, जिला बाराबंकी, स्वर्गीय कन्हैयालाल मिश्रा का पुत्र हूँ। और मैं जो है चुनाव में इसलिए उतरा हूँ क्योंकि अपने क्षेत्र की और समाज जनता की जो है समस्याओं को लेके मैं हरदम बहुत चिंतित रहा हूँ। और जो है काफ़ी जो है भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जो है हमारे क्षेत्र की जो है बहुत बुरी दुर्गति है। कई लोग बने मगर वो लोग जो है केवल अपना ही भला देखते आए हैं, जनता के लिए कोई सोचने वाला है ही नहीं। अनूप जी, आप लगातार समाज सेवी बन के जनता के बीच में मौजूद रहते हैं, चाहे वो आपके ग्राम पंचायत की जनता हो या देवा चतुर्थ की जनता हो, क्या जनता के बीच में बने रहने की मतलब ये चुनावी रणनीति थी आपकी मानवता थी? नहीं यार, कभी चुनौती रणनीति जो है हमने अपनाई ही नहीं है, केवल हम एक मानवता के नाते जो है हमेशा जनता से जुड़े रहे हैं और यही जो है कृपा करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि हमेशा हम जो है उन लोगों के लिए कुछ भी करते रहें और उनसे जुड़ते रहें, कभी वो हमसे ना दूर हों ना हम उनसे दूर हों। कोई भी काम हो उनका, कहीं भी कुछ हो, हमसे होने वाला है तो नहीं होने वाला तो हमेशा हम प्रयास करते हैं। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया, क्या सोच के जिला पंचायत सदस्य का? हर गांव के ज़्यादातर व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं, जिस गाँव में हम जाते हैं तो वहाँ की जो स्थिति है वो देखते हुए लोगों से हमारी आपस में बातचीत होती है, ये सब हुआ है। तो जिसके कारण लोगों ने खुद कहा है कि जो है कि अब आपको जो है समाज की ज़रूरत है और जो है एक बार आप कदम जो है आगे बढ़ाएं और पहल करें ताकि समाज का कुछ सुधार हो सके। और जो है यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि ये सामने जो है हमारे ये मामापुर है तकिया, ये ग्राम पंचायत जो है मामापुर नगती है, ये तकिया है। यहाँ की स्थिति आप देखेंगे जो है प्रधान जी ने बहुत सुधार की है और बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है प्रधान जी ने यहाँ पर, मगर फिर भी जो है कुछ काम जो प्रधान जी के बस में नहीं है। प्रधान जी ने ऊपर रिक्वेस्ट किया कि ये काम हमें चाहिए हमारे क्षेत्र के लिए, यहाँ पे ये विकास होना चाहिए, तो जो हो सका वो इन्होंने किया। जो आगे काम ही नहीं मिला तो बेचारे क्या के अपने पास से किए, जो काम था इन्होंने अपने पास से किया। फिर भी अभी यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ही कुछ खास नहीं है। और अगल गाँव में जब अनुप जी, अगर आपको देवा चतुर्थ की जनता चुनती तो क्षेत्र में क्या बदलाव करेंगे, क्या समीकरण बदलेगा क्षेत्र? हम जो है समीकरण ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, मगर इतना समीकरण बदल देंगे कि आने वाले टाइम में केवल एक ही नाम रहेगा जी, और वो नाम रहेगा अनूप मिश्रा का। जनता हमसे ऐसे जुड़ी है कि जनता के लिए हम हमेशा जो है वैसे ही खड़े रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे कि अन्य कहीं क्षेत्रों में जाके, किसी जिलों में जाके आप देखेंगे यहाँ से ज़्यादा कहीं विकास नहीं पाएंगे। मुद्दा क्या रहेगा? अभी आप जा रहे हैं जनता के बीच में, जा रहे हैं जनता से मिल रहे हैं, क्या मुद्दा है? जनता से हम मिल रहे हैं, जनताओं की जनता से मिलने के बारे में देख रहे हैं, गांव के जो हालात देख रहे हैं सब देख रहे हैं, वहां का जो है कोई विकास है ही नहीं। तो हमारा मुद्दा सिर्फ यही है कि हमें इतना विकास करना है, इतना विकास करना है कि आने वाले टाइम में हम ना भी खड़े हों तब भी जनता जो है हमें ही वोट करे और हमें ही सपोर्ट करें। हम केवल विकास के लिए एक बार आना चाहते हैं, वो भी अपने ही जनता के कहने पर, और इतना विकास करना चाहते हैं कि आगे कई सालों तक जो है हमारे क्षेत्र में अगर कोई भी आए तो एक ही नाम हो कि ये विकास अनूप मिश्रा ने किया। प्राइम टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे गांव की जनता से? प्राइम टीवी के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं गांव की जनता से कि आप हमारे बड़े भाई लोग हैं, चाचा दादा पापा जो भी हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार हमें अवसर दिया जाए, हम इस जो है क्षेत्र का जो है पूरा नक्शा ही बदल देंगे। इतना जो है हम वादा करते हैं कि आने वाले टाइम में जो भी गांव के अंदर क्षेत्र में हमारे घुसेगा तो उसको लगेगा कि हम किसी क्षेत्र में आए हुए हैं, इतना विकास हो पाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए
जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी अनूप मिश्रा मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमें देवा चतुर्थ की जनता चुनती है तो साफ तौर पर गांव के अंदर विकास होगा। सिर्फ हम एक ही मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, वो सिर्फ विकास है, क्योंकि जो पूर्व में या इससे पहले जो भी जिला पंचायत सदस्य हुए हैं उनके द्वारा कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है, लेकिन अगर इस बार जनता इन्हें मौका देती है तो गाँव की यकीनन ये तस्वीर बदल देंगे। कैमरामैन अनुराग रस्तोगी के साथ रेहान वारसी, बाराबंकी। यूपी के ग्राम स्तर पर फैले भ्रष्टाचार के बीच ये तस्वीरें सच में सुकून देती हैं, जहां ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ग्रामीणों को झूठे विकास के वादों के परे ग्रामीण जनता को दिल से विकास को और ले जाने की ओर अग्रसर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह अनूप मिश्रा ने समाज सेवी के तौर पर लोगों की सेवा की है, ग्रामीणों के दिलों में विश्वास जगाया है, उम्मीदें जीती हैं, वैसे लोगों को लग रहा है कि इस बार जिला पंचायत चुनाव के रण में दमदार प्रत्याशी साबित होंगे।